पंजाब यूनिवर्सिटी में आज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल के BDS और MDS के छात्रों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। छात्रों का प्रोटेस्ट आज पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ उनके स्टाइफंड ना बढ़ाए जाने को लेकर किया जा रहा है। छात्रों द्वारा कहा जा रहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब यूनिवर्सिटी ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ छात्रों को इतना कम स्टाइफंड दिया जा रहा है। हालांकि अन्य राज्यों में इंटर्न को 24,000 से लेकर 26,000 रुपए तक का स्टाइफंड दिया जाता है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा फीस होने के बावजूद भी छात्रों को मात्र 9,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत कम है। छात्रों द्वारा यह भी कहा गया है कि जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस मामले में पंजाब यूनिवर्सिटी को पत्र द्वारा साफ निर्देश जारी किए हुए हैं, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे लागू क्यों नहीं करता। डेंटल कॉलेज के छात्रों की मांगे पूरी करने के लिए ये उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सर, हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, हमारा जो मानदेय है जो BDS के छात्रों को दिया जाता है वो बहुत कम है। हम अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए, स्टाइफंड को बढ़ाने के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसके लिए हमारी जो कवायद है बहुत दिनों से चल रही थी, और हमने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मेमोरेंडम भी दिए संबंधित विभाग को, संबंधित अथॉरिटीज को, सिस्टम को, पर हमारे मेमोरेंडम के ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो इसीलिए आज हमें ये तरीका अपनाना पड़ा है, और जो BDS के छात्र हैं पूरी तरह से संगठित होकर आज यहाँ पर आ चुके हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर बात करें अदर स्टेट्स की, उन कॉलेजेस में क्या कुछ स्टाइफंड दिया जा रहा है जो हाँ जी, जो हमारा नेबर स्टेट है, जैसे पंजाब है, जो हरियाणा है, हमारे बिल्कुल सामने जो PGI है और GMCH है, चंडीगढ़ है, जितने भी यहाँ के कॉलेजेस है वहाँ पर जो मानदेय वो बहुत अधिक दिया जाता है, लगभग 25,000 से ज़्यादा का जो मानदेय है। उसके हमारे पास डॉक्यूमेंट भी हैं जो हम साथ लेकर आए हैं, और यही बात अगर देखा जाए तो हमसे जो नीचे जो पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं उनके भी जो छात्र हैं उनका मानदेय हमसे ज़्यादा मिलता है, और हमारा जो मानदेय सिर्फ जो BDS के छात्रों को है वो 9,000 दिया जाता है, और इससे भी अन्याय जो हो रहा है वो MDS के छात्रों के साथ हो रहा है, जो सिर्फ 10,000 जो उनको मानदेय दिया जा रहा है, जो स्टाइफंड दिया जा रहा है वो बहुत कम है जो अन्य जो कॉलेजेस हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। जिसे देखा जाए, अगर हमें देखा जाए तो हमारे जो MDS के छात्र हैं यहाँ पर वो एक महीने में कम से कम 1-2 लाख से भी ज़्यादा का कार्य करते हैं, और उसके अनुसार उन्हें वेतन सिर्फ और सिर्फ 10,000 दिया जा रहा है, और इसके लेकर हम आज इकट्ठे हुए हैं और आज हम इसका जो हड़ताल कर रहे हैं, और ये जारी रहेगी, इंडेफिनेट हमारी स्ट्राइक है, और जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाता हम यहीं बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं इसका आप ड्रॉबैक नहीं मानते कि जो मेडिकल एजुकेशन है वो 32 में ऑल ओवर दी जाती है, तो डेंटल कॉलेज को यहाँ पे PU के साथ क्यों अटैच किया गया? नहीं, अगर देखा जाए तो 32 है वो भी PU के साथ ही अटैच ही है, ठीक है। जो हमारी जो जगह है वो यहाँ पे असाइंड हुई थी 2006 में, डॉक्टर हरवंत सिंह जज जी, जो उनके उनके द्वारा जो ये कॉलेज जिनके नाम से शुरू है, तो ये जो जगह हमें मिली थी तो वो यहीं पे मिली थी, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अथॉरिटी हमारी सबकी सेम ही है, हमारी डिग्री सबकी पंजाब यूनिवर्सिटी से ही जाती है, और उनका स्टाइफंड भी यहीं से असाइंड हो रहा है, सबका फीस हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी को जाती है, तो इसलिए हमारा वेतन है जो मानदेय है वो पंजाब यूनिवर्सिटी को ही बढ़ाना पड़ेगा। एक थोड़ा सा PU की अगर बात करें तो सब फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो डेंटल की सबसे ज़्यादा फीस पंजाब यूनिवर्सिटी में ही है, हाँ जी, अदर स्टेट्स में नहीं है। क्या आप आने वाले समय में उसके रिगार्डिंग भी प्रशासन से किस तरह की मांग करेंगे? हाँ जी, इसके लिए यही हमारी सबसे बड़ी मुख्य बात है कि हमारी जो फीस है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम 2006 से लेकर 2023 की बात करते हैं तो हमारी फीस 60,000 से 1,62,000 हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर सीनेट में मीटिंग भी हुई थी जिसमें ये कहा भी गया था कि जो हमारा स्टाइफंड है वो फीस के प्रपोर्शन में बढ़ा दिया जाएगा, पर वो अभी तक बढ़ाया नहीं है, मामला अभी तक लंबित है, कागजों में पड़ा है। तो MDS की अगर फीस की हम बात करते हैं तो 3 लाख से 5 लाख तक भी चली गई है वो, तो उनका कोई भी स्टाइफंड नहीं बढ़ाया जा रहा है। और दूसरे राज्यों की अगर बात करी जाए, हमारे बिल्कुल नेबरिंग जो कॉलेज है GMCH है, तो 32 है, वहाँ पर सिर्फ फीस 32,000 है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।